अच्छा तू यहीं बैठा है। यहाँ पे सिस्टम चल रहा है हैवी वार्ड मेनली, तो देखो ये ना पार्क ही है। गाइस बस ये मत किया करो यार। Hey guys, this is Marathon Show and you're watching Cycling or Nothing. और guys, आज मैं आप सबको लेके आया हुआ हूँ लोधी गार्डन, जो कि दिल्ली में है और ये एक पार्क ही है मतलब वैसे तो। और इसकी ना हाइप कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि मतलब जो जिसके ये आसपास है, इसके आसपास की जो लोकेलिटीज़ है ना वो मतलब काफ़ी पॉच लोकेलिटीज़ है, जैसे खान मार्केट हो गया, गोल्फ लिंक्स हो गया, लाजपत नगर डिफेंस कॉलोनी, तो ये मतलब दिल्ली के सबसे पॉच एरियाज़ में से है। और बाकी मैं तो आज यहाँ बाइक से ही आया हूँ, बट ये कि अगर आप यहाँ जैसे मेट्रो से आना चाहें ना तो यहाँ के दो गेट है, एक खान मार्केट अगर आप मेट्रो पर उतरेंगे तो उसके पास है, और एक आप जोर बाग उतरेंगे तो उसके पास है। और अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, और फिलहाल अंदर जो मतलब ना चार मॉन्यूमेंट्स भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेनली तो वैसे ही पार्क ही है बट मॉन्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और चलिए अंदर। गाइस ये देखिए, यहाँ फाउंटेन भी है, एक छोटी सी लेक भी है, तो अगर आप यहाँ बच्चों के साथ भी आना चाहते हैं तो भी आप आराम से आ सकते हैं। ये देखिए डक्स भी, अगर आपको वहाँ दिख रही है वो देखिए, मैं नीचे जाके भी अगर होगा तो डक हाउस ही है इनफैक्ट। ये देखिए गाइस व्यू, देखिए पार्क है वैसे कहने को, बट आप ये देख रहे हो कितना वेल मेंटेन्ड है। और ये गाइस जो है ना, ये मतलब NDMC मेंटेन करता है इसको, पार्क को, और जो मतलब इसके अंदर जो मॉन्यूमेंट्स है उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले मेंटेन करते हैं। हेलो जॉगी, अच्छा तू यहीं बैठा है अपनी पेट पूजा करने के लिए कि जैसे ही हाथ में कोई आया तू निपटा दे। यही झील हमारी है, यहाँ पे हम पूरा गंद बंद कुछ नहीं कर सकते और कुछ यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सफाई रखनी है, और बाकी आपने देखा ही सुंदरता बरकरार रहनी चाहिए मतलब। अच्छा हमको सिखा रिया है गाइस, शराब, नशीले पदार्थ, जुआ खेलना और धूम्रपान जो भी है मतलब वर्जित है वो, मतलब ध्यान ठीक है ना, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। हसदे चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। कपल चल रहा है यहाँ पे, सिस्टम चल रहा है हैवी वार्ड कपल्स का, अब बताइए ऐसे बचा रहे हैं हमारा राष्ट्रीय धरोहर, समझ रहे हो ना। चलिए कोई नहीं, सबको खुश रहने का शौक है बट यहीं पार्क ही मिला खुश रहने का, पर चलिए कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा, है ना। ये देखिए पूरा ना ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे जॉगिंग के लिए भी, और ये देखिए जॉगिंग ट्रैक और ये वॉकिंग ट्रैक, तो यहाँ पे आप मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ सकते हो आराम से अपना फैमिली के साथ, और अपना पिकनिक के लिए भी आ सकते हो। और लेक तो मैंने आपको दिखाई दी है, तो अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हो तो वो भी आप आराम से आ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ गुंबद की तरफ। गाइस हम फाइनली बड़ा गुंबद पहुंच चुके हैं, और ये इसका ना मेन मॉन्यूमेंट है, और ये देखिए ये मतलब 1494 में बनवाया था जब सिकंदर लोधी का जब उनका राज था ना, तब उस टाइम पे उन्होंने बनवाया था। और ये देखिए कितना सही बनवाया हुआ है यार, बिल्कुल इंडो इस्लामिक स्टाइल में इनकी आर्किटेक्चर करी है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन देखिए यार इसकी कितने बार प्यारा लग रहा है। और ये बिल्कुल ना सेंटर में ही है इसके लोधी गार्डन के, और लोधी गार्डन में आपको बता दूं कि 90 एकड़स में फैला हुआ है। और फिलहाल मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, इसके दिखा देता हूँ। गाइस ये ना इस हिसाब से बनवाया गया था कि मतलब आगे बड़ा गुंबद है और ये अटैच्ड यहाँ पे मतलब वो है मॉस्क है, ये मस्जिद है, ये देखिए उस टाइम पे मस्जिद रही होगी, और ये सामने शीश महल है जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉम्स हैं सिकंदर फैमिलीज के, वो भी मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। फिलहाल आप इसका एक बारी व्यू ले लीजिए। और देखिए गाइस मैं ना सिनेमैटिक शॉट्स तो डालूंगा मेनली, तो देखो ये ना पार्क ही है, पर जो मेन इसको जो और अच्छा बनाता है वो यही चीज़ें हैं,
जो इसके जैसे मॉन्यूमेंट्स है, वरना तो पार्क तो देखो सारे सेम ही होते ज़्यादातर, पर इसमें लेक भी है और अपना ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी है इतने टाइम पुराने। ये देखिए, ये तो वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था ना, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे टॉम्स बना रखे हैं, बट ये अभी तक ये नहीं पता कि ये किसके टॉम्स है। वैसे तो मेनली यही बताया जाता है कि सिकंदर जो फैमिली थी, सिकंदर लोधी की, उन्हीं की फैमिली के टॉम्स है ये। और ये शीश गुंबद है, और यहाँ पे ना पहले शीशे की काफ़ी अच्छी कार्विंग हो रखी थी, बट उसके बाद जैसे जैसे पुराना होता गया वैसे वैसे ये मतलब ख़त्म होता गया। बाकी अब देखते हैं इसको अगर आगे ही मेंटेन करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले। गाइस बस ये मत किया करो यार, मैंने आपको हर बार ही बताया जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ उसमें जहाँ भी ऐसा होता है तो मैं आपको बोल देता हूँ ये मत किया करो, प्लीज़ मत किया करो। ये देखो इतनी सही जगह की सुंदरता को थोड़ा बुरा कर देता है ये। और ये देखिए क्या लिखा है, बूबू डोलू बोलू, पता नहीं क्या है ये, मान जाओ भाई मान जाओ। गाइस आपको मैंने बड़ा गुंबद और शीश गुंबद तो आपको दिखाई दिया। ये गाइस 1494 में अंडर द रेन ऑफ सिकंदर लोधी के टाइम पे ही बने थे, उन्होंने ही बनवाए थे। अब हम यहाँ पे आपको वहाँ लेके चल रहे हैं जो यहाँ पे सबसे पहले बनवाया गया था, मोहम्मद शाह का टॉम। उसके बाद आपको सिकंदर लोधी जी का भी टॉम दिखा देंगे, मेनली तो यही है। और ये देख लीजिए यहाँ पे हर दूसरे मोड़ पे क्या क्या, ये देखिए पेड़ देखिए और किस तरीके से ग्रो हो रहा है। अब ये देखिए मतलब जितना भी इसके बारे में बोला जाए कम रहेगा। आप ये देख लीजिए यार गाइस, बाकी फ़िलहाल चलिए, आप अंधेरा हो रहा है गाइस, बाकी हम तेज़ी तेज़ी में दिखा रहे हैं आपको सब। ये देखिए गाइस यहाँ पे सारे हर्ब्स है, यहाँ कुछ ना कुछ, यहाँ से कुछ ना कुछ हर ना हर प्लांट से कुछ ना कुछ बने गई बढ़िया वाला, देख लीजिए आप गाइस। वो तो आप जितना मतलब मैं आपको ऐसे जितना बताऊँगा ना उतना कम रहेगा, आपको आके ही विज़िट करना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा। ये देखिए योग स्थल, यहाँ पे योगा कर सकते हो आप। ये आप देखिए मेरे पीछे ना एक छोटा सा पुल है, हम इसे क्रॉस करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस ये है मोहम्मद शाह जी का टॉम, और ये सबसे पहले बना था यहाँ पर 1444 में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उनको, मतलब डेथ के बाद उनके बनाया गया था। आइए आपको अंदर ही लेके चलें फिर। यार क्या व्यू आ रहा है यार गाइस, देख रहे हो गजब कर रहा है गिटारिस्ट है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। गाइस हम यहाँ से निकल गए हैं मोहम्मद शाह जी की कब्र से, और अब यहाँ पे आपको लास्ट जो मॉन्यूमेंट रह गया सिकंदर लोधी की कब्र वो भी दिखा देते हैं, बस अंधेरा ना हो जाए वहाँ पहुँचते पहुँचते। मेनली तो वैसे ये पार्क ही मैंने आपको बता ही दिया, दिखा भी दिया काफ़ी हद तक। फाइनली हम पहुंच गए हैं सिकंदर लोधी जी का जो टॉम्ब है उस पर, और ये यहाँ का लास्ट ही मॉन्यूमेंट है। फिर अब यहाँ से हमारी मतलब एग्जिट ही है, पर अब ये देख लीजिए इसमें मतलब यही बताया हुआ है बेसिकली कि सेकंड रूलर थे वो लोधी डायनेस्टी के, और उन्होंने 1489 से लेके 1517 तक मतलब रूल किया था। और अब ये देख लीजिए इसमें बताया हुआ है कि क्या है कैसे है। Oh, oh, oh.
तुसी देख लीजिए, इन्होंने वैसे ये तो बंद कर दिया है, या तो शायद टाइम ज़्यादा हो गया इस वजह से बंद कर दिया, शायद बंद ही रहता है। ये सामने इसके अंदर है सिकंदर लोधी जी की कब्र, और ये पूरा आसपास का व्यू जितना दिखा सकता उतना दिखा रहा हूँ, फिलहाल बाहर से दिखा दूँगा आपको। और ये देख लीजिए मैंने अपना हाथ ऐसे। हाँ तो गाइस फाइनली हमने लोधी गार्डन पूरा घूम ही लिया और अंधेरा हो गया, आप देख ही रहे होंगे लाइटें ऑन हो गई, और ये मेरे पीछे सिकंदर लोधी की ही टॉम की जो मतलब वॉल है वो है, बट यहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि मे बी या तो ये बंद ही रहता है या शायद टाइम ज़्यादा हो गया था इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया था। और बाकी गाइस आप मेरे को बताना, मैंने आपको मतलब पूरा पार्क ना दिखाई दिया है, मेनली जो 90 एकड़स में फैला हुआ है ये पार्क, और पूरा मैंने आपको पार्क दिखाई दिया है। और मैंने आपको ये भी बताई दिया था कि दो एंट्री गेट है, मतलब टिकट बिल्कुल फ्री है यहाँ की। और बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, आप तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे कमेंट में ये जरूर बता देना कि मुझे और कहाँ जाना चाहिए। ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। हाँ ये क्या शॉट दिया है, अरे नेवला डर गया गाइस, नेवला सांप आ गया ना उसके सामने। बोलो बोलो, डर क्यों रहे हो, बोलो। यही है मम्मी। गाइस मुझे बहुत सुकून मिल रहा है आज, पता नहीं क्यों लोधी गार्डन का व्लॉग मुझे ऐसा लग रहा है भजिया चला गया मेरा बहुत। हाँ मजा तो हमारी मासी ने बना दिया, जो बात है अकेला होता तो मैं भी इग्नोर करते भी निकल जाता, मासी थी ना, मासी हमारी माँ जैसी है बिल्कुल, पर थोड़ा माम है ना वो वाला सिस्टम नहीं है, वो भी आपको धीरे धीरे मिलवाएंगे तो पता चलेगा, मासी हमारी ज़्यादा तेज है जो बात है। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी। मासी कुछ पोस्ट तो दे दो फिर चलते हुए, क्या बात है, आ रहा है मजा, आप तो खुश हो रहे हो ज्यादा ही है, क्या कह रहे हो, ग्लो आ गया मेरे ज्यादा चेहरे पे आज, आज की बॉक्स है ना, आज की बॉक्स है जो बात है, क्योंकि आज हम आपके साथ हैं। हाँ।